पुलिस चेकिंग। अच्छा आप लोग आपस में बीच में सही मत खेलना एक दूसरे से, कैमरे ऑन है सबके? नहीं इसका प्राइस 8 लाख। भर्खर पो स्टार्ट भएछ ल, राइट सेफ राइट सेफ राइट सेफ दाई, भर्खर स्टार्ट भएछ गोप्रो ह्याङ भएर। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ यसलाई, बिग्रेपछि फेरि के भन्छ, रिस उठ्ला के भन्छ अरे, क्यामरै अन नभएर रिटेक। सबजनाको लाइट छ यहाँ, यस्तो लाइट वा राति बाँदै हिँड्ने दिलराईको त हेलमेट नराख्नु हो रहेछ, वा ब्युटिफुल। हाम्रो चाहिँ पेट्रोल हालियो, अब हामी मुभ गर्छु। आज ताजमहल हेर्नुपर्छ है गाइस, ताजमहल यतिको शीतल भएर दिनभरि कति मजा आउँथ्यो होला। अहिले त बिहान त शीतल हो कि, अहिले त बिहानको कति 8:43 गएको छ नि त नेपाली टाइम, 15 मिनट घटाउँ यहाँबाट अब होइन। टनेलभित्र छिरो गाइज, गाइज मेक सम नोइज। मोदी मिल यहाँ त हर्न हानेर पुरै टेम्पोले बाइकले ओभरटेक हान्छ भने कस्तो कुदाउँछ होला सोध्नु त। यो अहिले 70 किसिमको छ यो टेम्पो चाहिँ सय। हामी यो बाटो आएको थियो, अहिले हामी 4 को डुङ्गुर देख्छौँ होला सायद है। पाहाडै छ कि हाम्रो पशुपति होइन, हाम्रो स्वयम्भूको पाहाड चाहिँ त्यत्रै पाहाड छ कि 4 को, त्योभन्दा पनि ठुलो पाहाड छ कि 4 को, भित्र कहाँ लगेर फालो हुँदैन होइन, पाहाडै भन्ने भइहाल्यो। एउटा खोला चाहिँ भेटियो है गाइस, सानो खोला पुरै यहाँ अल्को अल्को बिल्डिङहरू, आमामा कति अल्को बिल्डिङ हुन्थ्यो है, हामी गुप्रोल भ्याकै भएन यहाँ। त्यो बिल्डिङको टुप्पामा जान मन लाग्यो, डेन्जर अल्को छ त्यो बिल्डिङ त। यहाँ मुनि चाहिँ एउटा सानो रिभर छ है, रिभर हो कि नाली हो यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, यसो पानी कहाँबाट आउँछ केही थाहा छैन मलाई। ड्राइभ सेफ गाइज, गनाको नाली नै होला, हल्ड हल्ड बनाउँछु यार। सो यहाँ चाहिँ चेकिङ गरेको अवस्था छ, पुलिस चेकिङ स्पोर्ट सोचेर अरे, स्पोर्ट बाइक सोचेर अरे हँदै, स्पोर्ट बाइक सोच्यो ए। अच्छा अच्छा ए, सन्डेको लागि चाहिँ यहाँ बाइकर्सको लागि चाहिँ अलाउड छैन अरे त्यो भएको, किनकि सन्डेमा धेरै गाडीको चाप हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ चान्स हुन्छ, त्यो भएको कारण हामी चाहिँ नेपाल जान लागेको नि त, एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ रहेछ सायो। सो यहाँ हस्पिटल रहेछ क्या, त्यहाँ डक्टरको फोटोहरू टन्ने थियो पुरै यहाँ। रेस हुन्छ भनेर मिल्ला नै अरे, हामी सँगै नहिँड्थे। ऐसे एक्सीडेंट होता ना, ऐसे वो एक्सीडेंट की वजह कर रहे हैं आप लोग, रेसिंग तो नहीं होती हमारे। ओके ओके, वो अच्छी बात है वो। क्या नाम है इस बाइक का? इसका क्रॉस एक्स है, ये माउंटेन बाइक है ना, ये नेपाल में मिलता है। नेपाल में मिलता है? कितने का था ये? तो नेपाली 8,50,000, 8,50,000। हाँ ये 12 लाख है ना। जॉब करते हो? हाँ। यहाँ घूमने के लिए आए हो, जॉब करते हो आप लोग? घूमने के लिए आए अभी तो। नेपाली में 8 लाख की, इंडियन में 5 लाख की। हाँ अयो, आप लोग आपस में बीच में कहीं मत मिलना एक दूसरे से। ओके ओके, टोल क्रॉस करने के बाद ही कैमरे ऑन है सबके? नहीं, ये चार्ज किया हुआ है, कैमरा ऑन करना पड़ता है। अन है, क्यामेरा अन भनेको साइड लाई हाल्यो बाट डराएर नै अन न ए भनेको सर। क्यामेरा अन है भनेर त अनि बरु आफ्नो सेफ्टीको लागि त अन गर्न पाइन्छ नि त होइन, जे भए पनि क्या होइन सर। हामीलाई रेसिङ हुन्छ भने रेसिङ हुन्छ भने चाहिँ हामीले पालो पालो पठाएको छ कि, अब यहाँबाट कहाँ जाने हो? नौडा मयुर विहार, अब कहाँ बाटै थाहा होइन, फेरि उल्टो गयो भने टेन्सन हुन्छ। मयुर विहार, ग्रेट नोएडा, दादरी, यमुना। अब म त कुर्छु एकछिन, अब चाहिँ हामी यहाँ सबै भेटियो सँगै, अब चाहिँ हामी जान्छु। किनकि अघि क्यामेरा अन चाहिँ आफ्नो सेफ्टीको लागि इन्डियामा क्यामेरा अन गर्नै पर्दो रहेछ, किनकि सबभन्दा इन्डियामा बेसी क्राइम हुने भनेको ठाउँ यो इन्डिया के अरे यो युपी रहेछ क्या, त्यो भएको कारणले चाहिँ।
जल्दी खींचो, अभी हम जा रहे हैं, खींचो जल्दी। के गर्ने हो, जनताले भनेको मान्नै पऱ्यो, राष्ट्रपति भएपछि राष्ट्रपति रे। हजुर, चाहिँ सानो सानो फुच्चो फुच्चो घरहरू रहेछ, तर नामी डिजाइनको नयाँ डिजाइनको घरहरू रहेछ। यो जङ्गलहरू नि मासै हो नि त, सकियो क्या यहाँ, रुख त रोप्नै पर्छ यार, नत्र अबै ओहो यो पुलमा त डेन्जर आर्ट गरे यार। नेपालमा भयो, नेपालको नेताहरूले पुरिदिन्थ्यो क्या, यस्तो राम्रो बनाउनै दिन्न त अनि। सजल डेन्जर त मैले टाढाबाट देखाइदिने अलको बिल्डिङ के ऊ यहाँ रहेछ क्या, डेन्जर छ है, डेन्जर अल कति टाल्यो होला, यो त 100-200 टाल्यो होला है। घरै के अरे बिल्डिङै बनाउनु ला रहेछ यार, कति पैसा ला होला यो बिल्डिङ बनाउन, अचम्म छ बा। सडक गाज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ, उच्ची उच्ची बिल्डिङ, तिन तिन लोक एक बाइकमा बिटा है, अर एक अङ्कल आन्टीको बोके हिँड है, अरे अरे गाय अरे, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सिधो बिल्डिङ छ है, दामी क्या बल्दिन्छ ल, लास्ट बनाउने यहाँ जति ठुलो बिल्डिङ भयो भने गाइज। गर्नु नि घन्टा एउटा कहीँ भेटाएन क्या, बल्ल भेटायो क्या, अब यत्रो 50 किलोमिटरसम्म थियो होला क्या। हेर्नु न है, यहाँको देशको विकास, हाम्रो नेपाल भन्न मन लाग्छ क्या नि, ध्यान नि सेरेमा, हामीलाई नि यस्तै चाहियो, पहिला किपिबा भनेर हैरान पाऱ्यो, अहिले सेरबे भनेर हैरान पाऱ्यो एमआरबीले। धेरै ढल्काउनु नै होइन क्या, बाइक त पल्टिहाल्छ, उधर देख सक्ते है आप लोग, उची उची बिल्डिङ, डाँडामा कुहिरेल ढाक्छ है, त्यस्तै नि क्या यार। ए आमा, कति सिधा हो क्या बाटो भनेको, झ्याउलाइसक्यो धेरै सिधा भएर, लास्ट चाहिँ सिधा हाल्यो क्या। अब पहिला पहिला त्यो कम्प्युटरमा मोटर जिबी खेल्थ्यो अरे, डाँडामा राइड जान्थे, त्यस्तै भाइसकेर आगे, र त कुहिरोहरू लागेको जस्तो देखिन्छ होइन, त्यो पल्युसनले होला होइन, छिट्टो मोटरजीवी भाइस गाइस, छिट्टो मोटरजीवी भाइस, आमा कडा हो है, कडा जल्दै जाने, हामी त यताबाट हिँड्ने, त्यहाँबाट त गाडीले हान्ने चान्स धेरै हुन्छ, यो बाइककै लागि बनाए होला कि उस्तै पऱ्यो होइन, त्यही हो यहाँ लु, यो बाइकमा सुपर बाइक कुदाउनु पाएछ आमामा, त्यही भएर भैयाहरू आउँदो रहेछ यहाँ सुपर बाइक कुदाउनु, अरे मान्छे उडाउला जस्तो बाटो। अब चाहिँ हामी खाजा खान जानु लाग्यो, यहाँ रेसिङ टाइम, टायरको हालत यहाँ झन् टाक्लो भइसक्यो, आज सन्चै कुदाऊ भनेर आफै 80-90 हान्ने, आज मैले भेटाउँदै नभेटाएको फेरि, ए मेरो नि हावा गएछ, मैले बिस्तारै त चलाएको अरे, हावा गएछ मेरो नि, तेरो किन बताउँछ भन्छु मैले, हावै पन्चरै भयो जस्तो, हावा त के गरेर कम पाउँ भने, हजुर पनि कम भएर टायर रहेछ कि, मैले झन् सन्चो, मैले झन् कति गाह्रो अरे भेटाउने, इन्जिन नै पड्केल आएर गर्छ यार, यो त नि 5 किलोमिटर चलाउनु, त्यही भयो मेरो नि एकछिन इनिसियल हान्छ अनि पन्चरै भयो यार, बर्बाद भयो, हावा भरेर के गर्ने गरेर, फेरि त्यो पन्चर भयो, त्यो हावा गएको होइन, चल पनि हान्यो कानसम्म, यो अब जिन्दगी ल्याइने यस्तो हाइवेमा, यस्तो बाटोमा कहाँ कहाँ है, अलिक इन्जिन त्यो भएको त मजा हुन्छ, अघि बाइकहरू देखेन मल्टी स्टार्टर के रे, कहाँ बाइक बनाउने नि, यहाँ छैन बाइक बनाउनु, उहाँ हेर्नु टायर हावा होइन, अनि अहिले लगेर देसी बनाइदिन्थ्यो होला अरे, टाइम लस किन गर्ने,
सो पङ्चर भएको अवस्था अब यहाँ डट टायरको सामान पाउँछ कि पाउँदैन, ट्युब पाउँछ कि पाउँदैन, लेट चेक इट स्पिड चाहिँ हजुरले त अनि कुदाउने आज मलाई गाली गर्ने आज लिडरले कुदायो भने चाहिँ हावा छैन कि मेरो लचकै हो यस्तो दामी सब हेन ठाउँमा यो सब रहेछ बाइक बनाउने सनाउने या इधर पङ्चर किधर बनाता है पङ्चर टायर टायर धन्न ठाउँमै आएर पङ्चर भएछ बाटोमा भएर बर्बाद हुने बर्बाद हुन्छ बाटोमा भयो भने बर्बाद यो पङ्चर हो क्या ट्युब है क्या यसका अब काम भएन यो यसले यति दुःख दिन्छ हेर्नु यो हुँदै हुन्न ल हेर्नु होला हुन्न यो एकबार हावा डालिदिए न पञ्चरै भयो कि न हावा किन जान्छ र त्यहाँ पक्का अब ट्रेभरमा खुनौ कुदायो कि पछि काँटे गरियो क्या ए यही नै डालिदिए उधर आगे सो बाइक पञ्चर भएको अवस्था छ सो ए भैया बना रहे ठिक छ बना दिजिए कहाँ आपका नाम क्या है मोहम्मद इरफान अच्छा नाम है आपका आपका नाम क्या है सागर आप मुस्लिम हो आप भी मुस्लिम हो भैया जी ओ अच्छा ये दो तीन बंदे आए थे ना अभी वो भी मुस्लिम है वो नेपाल का तुम्हारे साथ के दिखे हैं वो हाँ वो तो ये लगता है ये नई चिपक लिया तो वो टायर खत्म हो जाएगा ट्यूब भी खत्म हो जाएगा ट्यूब में पॉल पड़ेगा मेरे हिसाब से इधर दो तीन पॉल पड़ी है गाइस अब हम दुलादार में हे यहाँ फिर अलग फिर बिग्र जा दुलादार खाजा खाता होता हम हेद डाड़ो हजर टाल फुल टाइट हो गए हावा फिर फालो और ये बीट बसा लो और ठीक है कर देगा खाना खा लो ओके ओके थैंक यू फिर बीट काटे जो हाथी म नबसिकन हुन्न भनेको थिएँ क्या हुन डुला सो अब चाहिँ म खाना खान्छु आया टेन्सन दियो पञ्चर भने बर्बाद हुन्छ कि त्यो टायर ट्युब हाल्नै जान्दैन कि तिनीहरूले मैले सिकाएर आएको किनकि त्यो टोटली डिफ्रेन्स छ नि त हामीले यसरी उहाँ कालिम्पोङ जाने बेला यतिको ऱ्यान्डमले कोही त दिएको नि बाटोमा गएर म पाँचचोटि फर्क्यौँ होला क्या पाँचचोटि पञ्चर भयो कि ट्युब फेर्दा नि क्या के गरेर पाल पर्छ के गरेर काटिन्छ के गरेर काटिन्छ कि अब दिमाग खराब सो एक्सक्युज मी अभी हम खाते हैं खाना सो अभी बाइक ठिक हो चुका है मेरे हिसाब से फिर तो छेट तो नहीं है ना ये इंटरनेशनल व्हील है आपके लिए आपने टायर बना दिया ना इसीलिए आप लोग के लिए ठीक है अभी ये भी पंचर हुआ प्राइस इसका प्राइस 8 लाख क्या बोला इसने मटका वो बोला नाइट्रोजन डालने के लिए हवा निकालना पड़ेगा क्या ना 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 थोड़े सी डालने का विली अति मैले गाडीमा अँ हावा सबै निकालेर नाइट्रोजन हालेको हो र मैले त्यस्तै गरेको थिएँ तर एकचोटि सोध्नु हाल्यो भने हाल्नु पर्ला तातिएर फुट्ला जस्तो हुन्छ त इंटरनेशनल व्हीली गाइस अगाड़ी बाटो
कैसा है ये इंटरनेशनल व्हीली है मेरे लिए। सही है गाइस, दुई दिन व्हीली हान्दियो धेरै नै हानौँ फेरि चल्पल हाने जस्तो हुन्छ। अब जाने, अब म यसरी नाइट्रोजनको बारेमा सोध्न जान्छु, सोध्दै नै हो। पेट्रोल पम्पमा यहाँ धेरै तातिनी भएर चाहिँ अनि पेट्रोल के अरे उता टायरमा नाइट्रोजन हाल्दो रहेछ कि, अनि चिसो भयो भने त पुरै एक राउन्डै हान्नु पर्ने नि। सही हुन्छ, ठिक है। इधर नाइट्रोजन डालते हैं क्या इधर टायर में? नाइट्रोजन हाँ, ये नहीं वो फट चुका है, बना दिया अभी वो गर्म हो गए। हाँ नाइट्रोजन डालने के लिए पूरा हवा फालना पड़ेगा क्या? वो तो ठीक है क्या? अरे हाईवे के हिसाब से चेक करा लो यार प्रेशर कैसे करके, वो फटना नहीं चाहिए, प्रेशर चेक करना पड़ेगा। चेक कर दीजिए ना हाईवे के हिसाब से। हाँ लंबा जाना है? लंबा जाना, वो नेपाल जाना है। यहाँ पे चल रहा था एक भैया का। हाँ उधर भी जाता है पहाड़ों में। कितना खिलावा? 12 लीटर जाएगा। जल्दी करा दीजिए ना प्लीज, वो जा रहे नेपाल पहाड़ चढ़ने वाला। नाइट्रोजन डालने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? एयर प्रेशर ठंडा होता है। अरे नहीं यार ये ट्यूब वाला है, अंदर ट्यूब है ना इसके? हाँ ट्यूब है। कंपनी रिक्वायरमेंट प्रेशर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। अरे पीछे गंजा टायर है, वन सिंगल ना, सिंगल है, सिंगल क्या खतरा ही नहीं बोलता नहीं बुझे ना। कैसे मारते हैं इसमें क्या? ब्रेक ऐसे ही मारते हैं ब्रेक, आगे पीछे वाली, पीछे वाले पेड़ में होती है। पूरी सही रही गिरा परा देगा, समझ नहीं पाएगा, पहुंच नहीं रहा उसका। एक बाइक की फोटो खिंचवा लो, ये नहीं कि चारों मार चले हैं। लाइट इसका जो चल रहा है। आप पुलिस हो क्या? नहीं यार चोर हूँ मैं। चोर हूँ? ये क्या बोले भाई? नहीं यार चोर हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, वो नेपाल में थे ऐसा व्हीली मार रहे वक्त पुलिस ने देखा तो वो चलान काट देगा। आप तो बहुत अच्छे हो। नहीं अबे इधर टैक्स कर रहे हैं, बाटा मंडा कर लिए सर, डुला डाले जब पे ब्रेक ला लिए सर, अभी हमारा बाइक को भी चीट देगा रे भाई। झगड़ा हो रहा है रे भाई, इधर क्या झगड़ा हो रहा है ये। थैंक यू सो मच रे भाई, थैंक यू सो मच। अभी हम इधर रुक रहे हैं रे भाई। हुन्छ दाइ कति किलोमिटर यहाँबाट उता गएको तर हेरे भाइ के छ लगा मेरो टेक्कर आप लोग को आप देख सकते हो नेपाल जाने वाला गाडी उधर है, उधर मेरे हिसाब से नेपाल का भण्डार बन्दे बेच चुके हुए, उधर नेपाल का झन्डा भी उधर हेरे भाइ। नेपाल की गाड़ी हो गया, वे नेपाल की गाड़ी नेपाल की गाड़ी भेटे क्या बुझ पाओ साइड भित्र जिरिंग भर नेपाल की गाड़ी पर रहे बल्ल था भैया हमें नेपाल की गाड़ी सही नेपाल का गाड़ी देख गया रे भाई हमने अभी नेपाल का गाड़ी देख के हमको बहुत खुश हुआ रे भित्र से अंदर से। वो उधर नेपाली बंदा थे वो ड्राइवर जाए उधर के स्टाफ भी नेपाली थे रे भाई, हमको बहुत खुश लगा नेपाली देख के। तो तेने गाइस स्टे ट्यून, बागमती को गाड़ी रे बागमती को गाड़ी सही है। अभी इधर भाई थोड़ी बहुत इंडियन लोग बैठा है रे भाई, नेपाली गाड़ी को इंडिया में देख के बहुत खुश लगा रे भाई। मंजुश्री यादव डॉट कॉम एंड पी